तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मिर्ज़ापुर सीजन 3 दोस्तों आ चुका है। मैंने ये एपिसोड कल रात को ही देख लिए थे। देखे कैसे थे वो भी मैं आप लोगों को इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि सीजन 2 में जो विजय वर्मा के मामा थे वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके जरिए मैंने ये एपिसोड कल ही देख लिए थे। हालांकि रिव्यू मैं कल ही कर देता लेकिन मैं नहीं करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने यही सोचा कि आप लोग देख लोगे तब मैं इसका रिव्यू करूँगा। फिलहाल मैं रात को ये वीडियो अपलोड की, काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो आप भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भी यहाँ पे स्पॉइलर वगैरह नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसने नहीं देखा है कि आप लोगों को ये सीज़न देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, टाइम वेस्ट है या टाइम वेस्ट नहीं है, यही चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। लेकिन भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मज़ा आ चुका है। और हाँ, एक बहुत ही ख़ास बात, मुन्ना त्रिपाठी हैं इसमें, यकीन नहीं करोगे, हैं। अगर नहीं हुए ना तो मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा, हैं 100% है। देखो भाई, अब यहाँ पे सीज़न की जो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट एपिसोड से, उसमें दिखाया क्या गया, उसमें डायरेक्ट दिखाया है सीएम साहिबा को, यानी कि मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ को। अब वो यहाँ पे एक शपथ ले रही हैं कि मैं मिर्ज़ापुर की गद्दी को पनपने ही नहीं दूंगी, यानी कि मिर्ज़ापुर की गद्दी को ख़त्म ही कर देंगे अपने दम से, अपनी पावर से। अब यहाँ पे आपको याद होगा कालीन भैया का एक दूर का भाई था रतिशंकर, उनका एक बेटा था जो अम्मा जी का बेटा होता है, आपको याद होगा, जो मुन्ना त्रिपाठी और के साथ में रहता है। आपको याद होगा सीजन 2 में जब गुड्डू को और मुन्ना त्रिपाठी मारने जाते हैं ये दोनों, आपको ध्यान होगा आप लोगों को, वो आता है सीएम साहिबा के पास में मदद मांगने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ठीक है तो वो कहती हैं कि साथ में तो हूँ मैं, लेकिन बस तुम कोई गलत काम मत करना वरना मैं सबसे पहले गलत काम को रोकने के लिए तुम्हारे सामने आऊँगा। अब यहाँ पर वो सतर्क हो जाता है। अब ये किसी को भी नहीं पता है कि कालीन भैया को वहाँ से उठा के कौन लेके गया था, वही लेके गया था। और वो पूछता भी है मैडम से कि आपको कालीन भैया के बारे में पता है, तो वो कहती है नहीं। अब सीधा अगला जो है एपिसोड आता है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गोलू एंड गुड्डू ये दोनों कालीन भैया को ढूंढ रहे हैं। अब इनको कैसे पता चला कि कालीन भैया जिंदा हैं? अब इनको ये पता है कि कालीन भैया बीमार हैं और वो कहीं ना कहीं अपना इलाज करवा रहे होंगे, तो ये दोनों उनको वहीं पे मारने की सोचते हैं। अब किस तरीके से ये लोग आगे उनको ढूंढ पाएंगे या फिर कालीन भैया खुद इनको ढूंढेंगे? अब गुड्डू किस तरीके से जेल में गया, उनके जो फादर थे यानी के पंडित जी यानी के जो वकील होते हैं वो एक इंस्पेक्टर का मर्डर कर देते हैं। अगर आपने सीजन 2 देखा होगा लास्ट में वो जो गुड्डू को मार रहा होता है एनकाउंटर में, फिर पीछे से वकील साहब उन्हें गोली मार देते हैं पुलिस वाले को, उसी पुलिस वाले के कत्ल के जुम्म में वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी ये आप लोगों को सीजन 3 में देखना है। और लास्ट में इतने बड़े बड़े पॉइंट दिखेंगे, इतने बड़े बड़े आप लोगों को आश्चर्यजनक सीन दिखेंगे ना, इसको देखने के बाद में आप लोगों को जो है मैं सही बता रहा हूँ मज़ा आने वाला है। पहला और दूसरा सीज़न कुछ भी नहीं है इस सीज़न के आगे, लिटरली कह रहा हूँ। मुन्ना भैया भी हैं इस सीज़न के अंदर, आप कहाँ पे हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। अब ले दे के अपने जो गुड्डू भैया हैं इनका राजपाट तैयार हो जाता है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लेते हैं, बीना त्रिपाठी भी गुड्डू भैया के साथ में हो जाती हैं। लेकिन जब बाद में ये पता लगता है कि कालीन भैया जिंदा हैं और वो वापस आ गए, तो कहीं ना कहीं बीना को ये लगता है कि कहीं इन्हें सच्चाई पता तो नहीं गई। अब कौन थी सच्चाई, वो ये भी सोच रही है कि ये जो बच्चा है ये कालीन का नहीं है, कहीं ये तो पता नहीं लग गया या फिर ये तो नहीं पता लग गया कि मैं गुड्डू के साथ हूं। तो लास्ट में दोस्तों ये होता है कि बीना और कालीन भैया एक दूसरे के सामने आते हैं, कालीन भैया अपने बच्चे को और बीना को गले लगाते हैं और वो सीन खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में मेन पॉइंट बताता हूं। लास्ट में कालीन भैया जाते हैं जेल में, अब वहां पे जाके गुड्डू से मिलते हैं तो गुड्डू जेल से भाग जाता है। मेरी जान, मतलब सीजन 4 की पूरी तैयारी यहां पे हो चुकी है। गुड्डू भैया जेल से भाग जाते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा लहूलुहान होते हैं और वो दोबारा से अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस आएंगे। और लास्ट में जो गोलू होती हैं एंड गुड्डू भैया दोनों आपस में एक दूसरे को जो है गले मिलते हैं और फिर वहीं के वहीं वो सीन ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों पूरे सीज़न में हमने देखा था कि सीज़न 2 में जो मकबूल भाई थे हमारे, मकबूल भाई, वो गायब हो गए थे। मतलब लास्ट में जब वो अपना उनको क्या कहते हैं भाई, कालीन भाई के जो अब्बा होते हैं, फादर होते हैं, उनको मार दिया जाता है, उसके बाद में वो दिखे ही नहीं है। अब वो पूरे सीजन में भाई साहब गायब हैं,
कहीं नहीं दिखे, उनका फेस नहीं दिखाया बिल्कुल। लास्ट में जब सीजन 3 खत्म हो जाता है पूरे तरीके से, लास्ट में देखना, लास्ट के सीजन के 2 मिनट, लास्ट सीजन के 10वें एपिसोड के बिल्कुल लास्ट एपिसोड में देखना, लास्ट के 2 मिनट, वहां पे एक औरत आती है और वो बोलती है कि भाभी ने आपको बुलाया है, तो सीधा फेस ऑफ दिखाया जाता है मकबूल भाई का। भाई वहां पे देख के ना गूज बम आ जाते हैं, मतलब एक होता है कि यार ये बंदा कहाँ है, बंदा गायब है, लेकिन लास्ट में जब उस बंदे को दिखाया तो मैं कहता हूँ कि सारे के सारी जो मतलब आपकी देखने की जो मेहनत थी ना सब वसूल हो गई, लिटरली कह रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा भाई सीजन 3 में, ये चीज़ दोस्तों बेहतरीन तरीके से निकाली है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुन्ना त्रिपाठी मूवी वेब सीरीज में है या नहीं। मुन्ना त्रिपाठी जब फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो रहा है ना, तो मुन्ना त्रिपाठी की जो एक डेथ बॉडी दिखाई गई है, मुन्ना त्रिपाठी को लिया गया लेकिन उनको एक मरे हुए मरा हुआ दिखाया है। अब वो जो सीएम साहिबा होती हैं वो उनकी आहुति देते हुए दिखाया, यानी कि उनका विसर्जन करते हुए, और वो भी मशीन द्वारा, एक तरीके से वैसे नहीं कि लकड़ी जला के होता, उस तरीके से नहीं, एक मशीन के द्वारा दिखाया गया, लेकिन सीन को काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया। हाँ, और वेब सीरीज़ में भाई देखो ऐसा है कि बच्चों बच्चों से थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि एक सीन है फर्स्ट एपिसोड में जो कि एक बालक का यानी कि बच्चे का गला काटते हुए दिखाया, सीधा चॉपर से पूरा गला, गर्दन वर्दन अलग, भाई बहुत खतरनाक सीन है, मैं देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसलिए बच्चों बच्चों से थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खून खराबा होने वाला है और आपका जो मोबाइल है पूरा का पूरा लहूलुहान होने वाला है। बहुत ज़्यादा डेंजर सीन है, बहुत खतरनाक सीन है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिनता से इन सीनों को शूट किया गया होगा। मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर ने राइटर ने बहुत मेहनत की है और बहुत कठिनता से, बहुत मुश्किल से एक्टर्स ने एंड यहाँ पे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है, और जितना भी यहाँ पे VFX लाए हैं, जितना भी वेब सीरीज़ में दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। लग नहीं रहा कि ये एक नकली सीन हो सकता है, बिल्कुल रियल सीन लग रहा है और मज़ा आ रहा है देखने में। एक एक सीन में आप देखेंगे जो फर्स्ट सीज़न था और आप इस सीज़न में देखेंगे तो उनकी जो काम में, यानी कि जितनी भी उनकी फर्स्ट सीज़न में एक्टिंग थी वो एक्टर आप लोगों को इसमें दिख रहे हैं, लेकिन उनके काम में इतनी ज़्यादा आप लोगों को पोटेंशियल दिखेगा, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा उनकी एक्टिंग में कि आप लोग ये लगेगा कि यार अब ये चलता रहे। और लास्ट सीजन में तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि घूस बम आने आपको तय हैं, कि जब आपको पता लगेगा ना गुट्टू भैया जेल से भाग गए, अये हाय वो जो सीन है ना ट्रेलर में कि मैं पागल हो गया हूँ, वो बिल्कुल वहीं के सीन है। और यहाँ पे लाला बीच में दिखाए जाएंगे, बीना को दिखाया जाएगा, कालीन भैया और अपने मकबूल भाई, कमाल का भाई है एक तरीके से, जो स्क्रीन प्ले चला है बेहतरीन चला है टोटल। एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक लिया गया है अमेजिंग, मैं कहता हूँ कि स्क्रीन प्ले तो बहुत ही बखूबी बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं कह रहा हूँ इतना टाइम लगाया लेकिन मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मेरे हिसाब से दोस्तों इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। तो बाकी आपने देखा या नहीं देखा, देखा तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।